आपने पेन तो कई प्रकार के देखे होंगे, लेकिन केरल के एक शख्स ने कागज का पेन बनाया है जो पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से काफी फायदेमंद है। इस पेन का उपयोग करने के बाद आप इससे वेजिटेबल्स और पेड़ भी उगा सकते हैं। कागज का पेन बनाने वाले शख्स हैं केरल के सूरज, जो इन दिनों भोपाल हाट दिव्य कला मेले में आए हुए हैं। बातचीत की उनसे हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी। एक दिव्यांग दिव्य मेले में पहुंचे हैं सूरज जी, केरल से हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा पर्यावरण को संरक्षण करने के उद्देश्य से उन्होंने एक पेन बनाया है। और यह पेन लकड़ी के ना होते हुए और ना ही प्लास्टिक के हैं, ना ही किसी ऐसे धातु के जो पर्यावरण को नुकसान करते हैं। यह पेन शुद्ध कागज के हैं। सूरज जी जो है अपने हाथ से ही यह पेन बनाते हैं और पूरी तरीके से दिव्यांग हैं और यह अलग अलग तरीके से पेन बनाते हैं। आप यह देख लीजिए कैसे यह पेन बनाते हैं और क्या तरीका होता है और कितना पर्यावरण को यह संरक्षित करता है और इस पेन की क्या खासियत है उसके बारे में हम सूरज जी से जानेंगे। पर उससे पहले वो किस तरीके से पेन बना रहे हैं आप इन्हें इन तस्वीरों में वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पेन अलग अलग प्रकार के पेन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ सूरज जी हैं। सूरज जी, आप ये पेन बना रहे हैं, कैसे प्रेरणा मिली और ये किसने सिखाया था आपको और अभी आपसे कितने लोग ये सीख भी रहे हैं? अभी सर ये एक्चुअली हम, मेरा नाम सूरज है, अभी केरला से आया। ये 2018 तक ये काम करता है। पहले हम न्यूज़पेपर से बनाता है पेन, इसके बाद हम कस्टमर ऐसा पूछता है कलरिंग पेन चाहिए तो चाहिए ऐसा बोल के कलरिंग का कर दिया। अभी ये पेन प्लास्टिक रिड्यूस करने के लिए, हम प्लास्टिक रिड्यूस करने के लिए ये पेन बनाते हैं। खाली रिफिल बसेस में प्लास्टिक है, बाकी पेपर रोल करके ऐसे बनाते हैं। और हम इसके अंदर पीछे रोल करके भाई टाइम में ये जगह मिलता है, इस जगह से अंदर सीड डालते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स का अलग अलग सीड अंदर डालते हैं। यूज़ आप पहले लिखो, इंक खत्म आए तो पेन बाहर नहीं डालना, गमले में मिट्टी में डालो, पानी आने के टाइम कागज चल जाएगा, इसके अंदर सीड है, प्लांट भी हो जाएगा। आइडिया ही आया कैसे, आइडिया कि नहीं मुझे ये बनाना चाहिए और किससे आपने आइडिया सीखा है और कितने बच्चों को आप ये सिखाते हैं, किसी को क्या? एक्चुअली हम 2018 में पेन का आइडिया सीखा है, मतलब ये पहले न्यूज़पेपर का पेन आता है करता है, उसके बाद एक कलर पेन कर दिया। मेरा जैसे मैं व्हील चेयर में, स्पाइनल इंजरी हो गया व्हील चेयर में, इसका पहले मैं आपका जैसे चलने वाला है, व्हील चेयर वाला घर में बैठने के वाला का कोई दूसरा काम का जाने का मुश्किल आता है ना, इसलिए हम ऐसा काम सीख लिया। इसके बाद हम 2500 डिसेबल, हमारा जैसे हैंडीकैप लोग का हम ट्रेनिंग फ्री में ट्रेनिंग दे दिया, वो सब लोग आप भी इनका घर में बैठ के ये काम करते हैं। दिव्यांग होने के बावजूद जब इस तरीके से लोग पहल करते हैं तो उनका अवश्य साथ देना चाहिए। बंसल न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र सिंह के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल।